फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जेआरपीएससी हेवी एग्ज़ाम का। तो ये है आपका बुक का पहला चैप्टर का पहला टॉपिक है फाइनेंशियल सिस्टम। फ्रेंड्स, पहले हम समझेंगे कि फाइनेंशियल सिस्टम की ज़रूरत क्या है, कि एक स्ट्रक्चर क्यों बनाया गया है फाइनेंशियल सिस्टम में। इसका पीछे रीज़न ये है कि जैसे फंड्स है, आपके पास में कैश वगैरह होता है, वो आप घर में रखते हैं, कई बार चोरी हो जाए, कुछ हो जाए, तो वो पैसा आपका लूज हो जाता है। अब जैसे फंड्स है, हम पैसा बैंक्स में जमा करा देते हैं, तो उसका गवर्नमेंट क्या यूज़ करती है, उसको आगे आपका और फर्दर लेंडिंग में गवर्नमेंट यूज़ करती है, और फर्दर जैसे जो कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं उनमें वो पैसा लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है, फर्दर वो पैसा और फाइनेंशियल सिस्टम में जाके और अच्छा काम करता है। ठीक है, तो इसमें एक लाइन है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेविंग्स इनटू इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन इज फैसिलिटेटेड बाय द एक्टिविटी ही रोल प्लेड बाय द फाइनेंशियल सिस्टम। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज एडेड बाय वेरियस टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल असेट्स सूटिंग द इंडिविजुअल नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ बोथ द इन्वेस्टर्स एंड स्पेंडर्स। द ऑफरिंग ऑफ दीज डाइवर्स टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल असेट्स इज सपोर्टेड बाय द रोल ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स हु इनवेरिएबली इंटरमीडिएट बिटवीन दीज टू सेगमेंट्स ऑफ इन्वेस्टर एंड स्पेंडर्स। एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरमीडिएटरीज आर बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा। द प्लेस वेयर दीज एक्टिविटीज टेक प्लेस कुड बी टेकन टू कनोट द फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, बेसिकली क्या होगा कि जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज हैं, जैसे कि बैंक्स हैं, एनबीएफसीज वगैरह हैं, वो पैसा अपने पास जमा करेंगे और आगे फर्दर उसकी लेंडिंग करेंगे, और बैंकिंग सिस्टम से काफ़ी इफेक्ट अच्छा इसको इम्प्रूव होगा। ठीक है, फाइनेंशियल सिस्टम कंप्राइजेज अ मिक्सचर ऑफ इंटरमीडिएटरीज, मार्केट्स एंड इंस्ट्रूमेंट दैट आर रिलेटेड टू ईच अदर। दे प्रोवाइड अ सिस्टम फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इनटू इन्वेस्टमेंट। ट्रांसफॉर्मेशन इन द सेंस कि मीन्स आपने पैसा दिया और वो फिर आगे फर्दर लेंडिंग के लिए जाता है और इकोनॉमी को बूस्ट करता है। ठीक है, रोल एंड फंक्शंस इन ब्रीफ ऑफ द सेंट्रल बैंक अथॉरिटी। हमारे कंट्री में सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी कौन सी है, आरबीआई है। इसके दो रोल्स हैं, एक तो ये मॉनिटरी कंट्रोल करती है, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन वगैरह, और बैंकिंग सुपरविजन। तो हमने आरबीआई के बहुत सारे रोल्स पहले ही पढ़ चुके हैं, एक अलग से वीडियो मैंने बना चुका हूँ जिसमें कि आरबीआई के रोल्स बताए गए हैं, तो यहाँ पे भी देख लेंगे। बेसिकली क्या करेगा, आरबीआई मॉनिटरिंग करेगा कि इन्फ्लेशन कहीं बहुत ज़्यादा ना हो जाए, और सुपरविजन करेगा कि कैसे कैसे आपने बैंक जो वो है रूल्स रेगुलेशन वगैरह लगाने हैं ताकि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन ना बढ़ जाए। ठीक है, और सुपरविजन भी करना है कि जैसे बैंक्स वगैरह तो खोल दिए लेकिन कहीं पता चला इसमें पैसा लोगों को इकट्ठा करा और फिर फ्रॉड हो जाए, तो वो सुपरविजन का काम भी आरबीआई का है। ठीक है, नेक्स्ट क्या चीज़ें हैं इसमें, हम लोग बहुत सारे इसमें डीलर्स वगैरह बताए गए, तो इन सब के ना नेक्स्ट पेज में है कि ये कैसे कैसे काम करते हैं, प्राइमरी डीलर्स कैसे काम करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैसे काम करते हैं, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, सुपरविजन ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस है, ब्रोकर्स है, ये सब चीज़ें हैं ना, कस्टोडियंस कैसे काम करते हैं, डिपॉजिटर्स, ये सब जस्ट एक नाम दिया हुआ है और इनका फर्दर आगे यहाँ पे बताया गया नेक्स्ट पेज में। ठीक है, कमर्शियल बैंक्स जैसे कि हमारे ये एसबीआई वगैरह, पीएनबी वगैरह, ये कमर्शियल बैंक सारे आते हैं, आपको पता ही कि क्या करते हैं, पब्लिक से पैसा लेते हैं और लेंडिंग करते हैं फर्दर। नेक्स्ट क्या, एनबीएफसी, एनबीएफसी ये भी हायर परचेज और लीजिंग, वेल डिस्काउंटिंग वगैरह का काम करते हैं। ठीक है, इनको रेगुलेट कौन करता है, आपका आरबीआई करता है। ये आरबीआई एनबीएफसी वगैरह जैसे कोटक महिंद्रा बैंक वगैरह, इन सबको लाइसेंस देता है और फर्दर काम करते हैं। ठीक है, प्राइमरी डीलर्स क्या है, प्राइमरी डीलर्स डील्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड डील्स इन बोथ प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट वगैरह में काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कि प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फंड्स वगैरह फॉर इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, ऑल दीज आर ऑफ साइट एंड ऑन ऑन साइट सर्विलेंस वगैरह, ये सब चीज़ें। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो कि लॉन्ग टर्म फंड्स वगैरह देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कॉपरेटिव बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स भी एक तरह के बैंक्स हैं जो कि क्या करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट और आरबीआई रेगुलेट करता है। तो कई बार एक ये क्वेश्चन भी आया था कि कोऑपरेटिव बैंक्स को कौन रेगुलेट करता है, जैसे एचपी कोऑपरेटिव बैंक हो गया, ठीक है, हरियाणा एचआर हरियाणा कोऑपरेटिव बैंक हो गया, तो इनको स्टेट गवर्नमेंट भी रेगुलेट करती है और आरबीआई भी रेगुलेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि वाइल अदर कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को तो स्टेट और आरबीआई रेगुलेट करता है, और जो अदर कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं उनको नबार्ड
और स्टेट स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, ठीक है। तो इसी में दो आपके बन गए, एक तो अर्बन में अगर होगा, अर्बन में स्टेट कोऑपरेटिव और आरबीआई, और अगर रूरल वगैरह या अदर टाइप के हैं तो उनको नाबार्ड और स्टेट गवर्नमेंट करती है, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर सर्टेन एग्जम्पशंस इन पेइंग अ हाइयर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इज सिमिलर टू द अदर बैंक, ठीक है। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम जैसे कि नेफ्ट वगैरह होते हैं, आपका आरटीजीएस वगैरह होते हैं, ये सब चीज़ें ये सेटलमेंट के काम में आती हैं, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट डेब्ट, गवर्नमेंट डेब्ट को मैनेज करते हैं, ठीक है। दिस इंक्लूड्स प्राइस डिस्कवरी, वॉल्यूम्स टू बी रेज, टेन्योर ऑफ डेब्ट एंड मैचिंग इट विद द ओवरऑल कैश मैनेजमेंट ऑफ द डेब्ट, ये सब चीज़ें काम आते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट डेब्ट है, गवर्नमेंट डेब्ट क्यों लेगी, फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल्स, कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह है वो बनाने के, ठीक है। बैंकर्स टू गवर्नमेंट, आरबीआई क्या करता है, बैंकर टू गवर्नमेंट है, अगर मान लो गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत है तो वो क्या करेगा, रेज करेगा, कैसे, ट्रेजरी बिल्स वगैरह से, वेज एंड मीन्स एडवांसेस वगैरह से उससे पैसा रेज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट टू बैंक्स, अगर मान लो कहीं से पैसा नहीं मिल रहा है बैंक्स को तो आरबीआई प्रोवाइड करेगा, ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर, जब हम बैंक्स लेंड पैसा लेते हैं पब्लिक से तो कुछ पैसा जो है सीआरआर के फॉर्म में 4% तक रखते हैं, ताकि वो आगे अगर लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आए तो वहाँ से कवर अप कर सकें। एसएलआर में आपका कैश नहीं, इसमें जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में रखते हैं। इक्विटी और डेब्ट मार्केट, इक्विटी मार्केट होती है आपकी शेयर मार्केट वगैरह, और डेब्ट मार्केट में आपका ट्रेडिंग वगैरह होता है, ठीक है। ये बेसिकली पैसा रेज करने के लिए काम आते हैं, और इसको कैपिटल मार्केट रेगुलेटर कौन है, सेबी है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि कैपिटल मार्केट रेगुलेटर कौन है, दैट इज सेबी। स्टॉक एक्सचेंजेस, स्टॉक एक्सचेंजेस क्या प्रोवाइड करते हैं, क्लियरिंग हाउस फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करते हैं ये सब, ठीक है। ब्रोकर्स क्या काम करते हैं, ब्रोकर स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, जो कि कैपिटल मार्केट रेगुलेटर वगैरह हैं, ठीक है। इक्विटी एंड डेब्ट रेजर्स, कंपनीज विशिंग टू रेज इक्विटी और डेब्ट थ्रू स्टॉक एक्सचेंज हैव टू अप्रोच अ कैपिटल मार्केट रेगुलेटर विद द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन परफॉर्म हो गया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, मर्चेंट बैंकर्स वगैरह जो हैं वो क्या काम करेंगे, एक्टिविटीज अंडरटेक करेंगे जैसे इशू ऑफ स्टॉक्स, फंड रेजिंग, मैनेजमेंट वगैरह, ठीक है। एफआईआईज जो बाहर के होते हैं वो कैपिटल मार्केट में पैसा लगाते हैं जिससे कि हमारी इकॉनमी बूस्ट होती है। डिपॉजिटरीज क्या होती है, जैसे स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग हाउस वगैरह होते हैं तो वो क्लियरिंग हाउस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। म्यूचुअल फंड क्या है, बेसिकली क्या है, इन्वेस्टमेंट पूल है जहाँ के छोटे इन्वेस्टर अपना पैसा लगाते हैं। रजिस्ट्रार्स क्या होते हैं, जो कि एक मेंटेन करते हैं रजिस्टर वगैरह, शेयर्स कितने परचेज हो रहे हैं, इसमें डिबेंचर होल्डर्स वगैरह, ठीक है। आईआरडीए क्या है, एक इंश्योरेंस रेगुलेटरी एजेंसी है जो कि बोथ जनरल और लाइफ इंश्योरेंस वगैरह को रेगुलेट करती है।